बीजेपी को एक बार फिर पीएम मोदी के चेहरे का ही सहारा है और कांग्रेस को अपने दमदार छत्रपों पर भरोसा है। जी हाँ, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि जो चुनावी राज्य हैं, खासतौर से हिंदी बेल्ट के राज्य यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश के, जो छत्तीसगढ़ की जो बात करें, तो वहां पर केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी को ही आगे करके चुनाव लड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। कांग्रेस के पास क्षेत्रीय नेतृत्व के साथ मजबूती से आगे बढ़ने का पूरा भरोसा भी है उनको अपने क्षेत्र नेतृत्व पर, और पूरा काम भी उसी तरीके से हो रहा है। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस मतलब अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मतलब कांग्रेस, और यहां मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कमलनाथ ने पूरी तरह से मध्य प्रदेश का चुनाव कैप्चर किया ही हुआ है। अब देखिए, छत्रपों के भरोसे किस तरीके से बीजेपी को मात देते दिखाई पड़ रही है कांग्रेस, और बीजेपी के खेमे में सिर्फ एक चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा घोषित नहीं किया है। आप सब जानते हैं पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर और विकास के मुद्दे पर ही विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और राजस्थान में अशोक गहलोत की सदारत में चुनाव लड़ रही है, उनकी छत्रछाया में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व महासचिव कहते हैं कि बीजेपी की बारात बिना दूल्हे की है। अब देखिए जनता किस पर भरोसा करती है, यह देखने वाली बात होगी। कांग्रेस के नेता महेंद्र जोशी कहते हैं कि इसमें कुछ कहने के लिए नहीं बचा है, सरकार कांग्रेस ही बनाएगी, जबकि बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल के मुताबिक तीनों राज्यों में जनता बीजेपी के साथ है, दोनों राज्यों में कांग्रेस की हार होगी और मध्य प्रदेश में बीजेपी वापसी करेगी, ऐसा उनका भरोसा है। बीजेपी के ही शिवराज सरकार में प्रभावी भूमिका में रहे सूत्रों का यह कहना है कि राज्य में चुनाव मुख्यमंत्री जी के महत्व देने के बाद ही पटरी पर लौटा है। वो कहते हैं कि राजस्थान में भी देख लीजिए और छत्तीसगढ़ में भी, वसुंधरा राजे और रमन सिंह भले ही पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा ना हो, लेकिन जब वो चुनाव में एक्टिव हुए हैं तभी कुछ हालात ठीक दिखाई पड़ रहे हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द केंद्रित होता चुनाव भी दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल में सक्रिय रहे और कर्नाटक हिमाचल के चुनाव प्रचार में बड़ी भूमिका निभाने वाले एक युवा नेता कहते हैं कि अभी भी सोशल मीडिया पर शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे काफी ट्रेंड करते हैं। इनके मुकाबले में दोनों राज्यों में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, लेकिन जनता के बीच अब ये खबर भी आम है कि दोनों ही चेहरों के मुख्यमंत्री पद से छुट्टी होने वाली है। सूत्रों का ये कहना है कि ये संदेश कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, इसका हमें जो है वो फायदा भी मिलेगा और राजस्थान छत्तीसगढ़ पार्टी वापसी भी कर सकती है, कांग्रेस के सूत्र ये कह रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, कांग्रेस के तमाम नेताओं का ये दावा है। अगर आप देखिए तो अशोक गहलोत, कमलनाथ, भूपेश बघेल खुद को अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में मान रहे हैं, खुद ही उनका कोई भी इस तरीके का मानना नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व क्या कहेगा। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पार्टी के तीनों छत्रप मुख्यमंत्री की रेस में बने हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस का मुख्य चेहरा है, जबकि बीजेपी में उसके तीनों राज्यों के तीनों सबसे अधिक चर्चित चेहरे अपना राजनीतिक वजूद बनाए रखने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ काम कर चुके हैं और मध्य प्रदेश में चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में जुटे सूत्र ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में शिवराज की छवि कभी कहीं भी कमलनाथ से कम नहीं है। शिवराज के मुकाबले में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर ये सब काफी पीछे हैं। ये सूत्र जो कि सर्वेस जुटाते हैं वो ये भी कहते हैं कि शिवराज की कई योजनाएं जनता के बीच में हैं, उनका सरल स्वभाव और उनके संवाद भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि 2018 में बीजेपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से पिछड़ गई थी, 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद बीजेपी ने शिवराज के नेतृत्व में ही सरकार बनाई थी। दरअसल उस समय भी बीजेपी के पास शिवराज का विकल्प नहीं था, संभव है कि इसका कुछ नुकसान बीजेपी को हो। विंध्य क्षेत्र में घूम रहे वरिष्ठ पत्रकारों का भी ये कहना है कि हवा बीजेपी के साथ जरा कम दिखाई पड़ रही है, लेकिन अब क्या किस तरीके की तस्वीर बनेगी ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। इधर एक सवाल जो राजनीतिक गलियारों में भी चल रहा है और तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी इस तरीके की बात कहते हैं कि वसुंधरा, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह को किनारे क्यों रखा गया। बीजेपी के एक प्रवक्ता ये बिना नाम लेने की शर्त पर ये कहते हैं कि 2018 में चुनाव से पहले वाला नारा वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी तुझसे बैर नहीं,
आप सबको याद है ना, वो कहते हैं कि इस बार बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को कई हिस्सों में रखकर चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई है। हर हिस्से में वहां के बड़े चेहरों को मुख्य भूमिका दी गई है। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया है, ये काम चुनाव के बाद वहां के चुने हुए विधायक करेंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे यहां नेता थोपा नहीं जाता। बीजेपी राज्य में विकास के मुद्दे और अपने कामकाज के बल पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। बात चाहे जो भी हो, दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इन दावों में कितना दम है यह 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि तीनों ही हिंदी बेल्ट के राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बीजेपी जा रही है, लेकिन कांग्रेस के जो छत्रप हैं वो मजबूती के साथ, क्षेत्रीय नेतृत्व जो है वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इनके पास इनका चेहरा भी है। शायद जनता के बीच इस मामले में इनकी बढ़त हो जाए, लेकिन ये कह पाना अभी असंभव नहीं है। इस राज से पर्दा उठेगा 3 दिसंबर को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।